डियर स्कॉलर्स, आज बात करूंगा लिटरेचर रिव्यू के हवाले से। जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें तो आपने याद रखना है कि लिटरेचर रिव्यू करना है, ना कि लिटरेचर को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और सिर्फ उसका सिमिलैरिटी इंडेक्स ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है, आपने लिटरेचर का रिव्यू करना है। उसमें आप आर्गूमेंट्स करते हैं, उसमें आप कंट्रास्ट में कुछ चीज़ें लिखते हैं, उसमें आप जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज़ के मॉडल्स बता रहे हैं, आपने 5 मॉडल्स लिखे हैं, तो आप उन मॉडल्स का भी कंपैरिजन करेंगे, उनके ऊपर भी क्रिटिक करेंगे और देखेंगे कौन सा मॉडल सूटेबल है आपकी रिसर्च के लिए या आपके सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। तो आपकी इनसाइट्स जो हैं वो साथ साथ लिटरेचर रिव्यू के अंदर आनी चाहिए। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपके जो रिसर्च के टूल्स होते हैं डाटा कलेक्शन के, उनके लिए भी जो है वो बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने फ्रेमवर्क बनाना होता है तो सारा जो कंस्ट्रक्ट्स, सब कंस्ट्रक्ट्स, उसकी जो इंडिकेटर्स हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सारी लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चलनी चाहिए। इवन जो आप रिसर्चेस बयान करते हैं वहाँ पे, प्रीवियस रिसर्चेस जो जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होती हैं, उनका भी आपने रिव्यू लिखना होता है, ना कि ये बताना होता है कि ये रिसर्च कंडक्ट हुई और एक एक पैराग्राफ बनाते जाएं उसका। ऐसा नहीं है, सिंथेसाइज करके लिखें, मुख्तलिफ जो फाइंडिंग्स हैं, मुख्तलिफ लोगों ने जो चीज़ें की हैं उनको सिंथेसिस करके लिखें रिसर्च के अंदर, लिटरेचर रिव्यू के अंदर। और आपकी इंसर्ट साथ साथ आनी चाहिए कि आपकी क्या लर्निंग बिल्ड हो रही है, आपका प्रीवियस नॉलेज क्या था, और ये जो लिटरेचर आप लिख रहे हैं इसके साथ साथ अपनी इंसाइट्स लिखें, क्रिटिक करें, रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, आर्गूमेंट करें, और कहीं पे आप किसी बात को गलत कहें, किसी जगह पे आप कंट्रास्ट में उसको एडिशन करें, और अपनी रिसर्च की सपोर्ट के लिए लिटरेचर से जो है ना वो हेल्प लें। देखें, सबसे अच्छा आर्टिकल या रिसर्च वही होगी जो इसकी जो बेसिस हैं वो स्ट्रांग होंगी, और बेसिस आपको कहाँ से मिलती हैं, लिटरेचर रिव्यू से, कि प्रीवियस लोगों ने किस तरीके से इस फिनमिना को इन्वेस्टिगेट किया है और आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स कर दें।